हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैजिकल डाइस बनाने होते हैं। इस वीडियो को अंत तक जो ही देखना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ इस टाइप का पीवीसी पाइप का सीट बना लिया है। और गाइस, इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग का पाइप से मैंने इसको सीट बना लिया है कुछ इस तरीके का। गाइस, आप देख सकते हैं, और गैस पर हीट करके अच्छे से बना लिया। उसके बाद गाइस, चारों तरफ से जो लाइन है उसको मैंने खींच लिया है। और गाइस, उसी लाइन पर रख के मैं यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की मार्किंग कर ले रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने 2.5 सेंटीमीटर की मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे हमें क्या करने का है, एक लाइन खींचने का है। एकदम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अगर ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको कैंची के द्वारा अच्छे से कटिंग कर देंगे। तो चलिए फटाफट से कैंची के द्वारा कटिंग कर देते हैं। तो गाइस, इसको मैंने अच्छी तरीके से कटिंग करके फिनिशिंग दे दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की मार्किंग कर रहा हूँ। अगर ये एक पीस में हमें 2 ही पीस मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से मैंने 2.5 सेंटीमीटर मार्किंग कर ली है। अब इसको क्या करेंगे, लाइन अच्छे तरीके से हम खींच लेंगे। तो कुछ इस तरीके से लाइन मैंने खींच लिया है। अगर इसके मैंने 2 पीस भी कटिंग कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से 2 पीस कटिंग कर लिए है। अगर इसी तरीके से हमें 6 पीस कटिंग करने का है, तो कुछ इस तरीके से मैंने 6 पीस को कटिंग कर लिया है। तो गाइस, अब इसमें हम जो हमारा डाइस होता है उस पर जो पॉइंट रहते हैं 6, 5, 4 जो डॉट रहते हैं, उनको इस पर बनाने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट करना होगा। तो यहाँ पे मैं डॉट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं सबसे पहले जो हमारा 6 नंबर होता है, मैं उसी का डॉट कर रहा हूँ। तो चलिए, अब मैं किस तरीके से डॉट कर रहा हूँ फटाफट से कर लेते हैं। गाइस, इस तरीके से मैंने सारे पीसेस पे अच्छे से डॉट कर लिया है। अब उसके बाद गाइस, इसके अंदर हमें होल करने का है, जिससे कि जो लाइट होता है हमें बाहर ब्लिंक करते हुए दिखे। तो गाइस, उसके लिए मैंने इस तरीके का किल ले लिया है। और किल को अच्छे से गैस पे गर्म करके इस तरीके से मैं इसके अंदर होल कर ले रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो जैसे गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने होल कर लिया। और गाइस, 5 पीस पे मैंने होल किया है, 1 पे मैंने होल नहीं किया है, क्योंकि वो गाइस बैटरी के साइड लगने वाला है। तो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कुछ इस तरीके से हमको रख लेने का है, जिस तरीके से मैंने रखा है आपको उसी टाइप से रखने का है। जिससे कि जो आप गाइस इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो उस तरीके से मैंने 4 नंबर का जो आगे का साइड था उसको मैंने उठा लिया है। और इसी तरीके से हमको सारे बॉक्स को चिपका देने का है। और गाइस, मैं इस पर थोड़ा आटा लगा दे रहा हूँ, मतलब जो मेरा आटा होता है उसको लगाने से ये बहुत जल्दी अच्छे से चिपक भी जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा लगा के मैं चिपका देता हूँ। चलिए फटाफट से इसको चिपका लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका दिया। लेकिन गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको फिनिशिंग अच्छी तरीके से नहीं मिली है। तो गाइस, इसको मैं अच्छी तरीके से फिनिशिंग देने वाला, चलिए फटाफट से दे देते हैं। देखिए गाइस, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको फिनिशिंग दे दी है। और बहुत ही अच्छा गाइस इसका लुक देखने में लग रहा है। और गाइस, इसको मतलब बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगे, आपने पहले ही ट्रेलर में देख ही लिया है। तो गाइस, आप लोग को देखिए कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा डबल साइड टेप आता है उसका ही हमें इधर पर यूज़ करने का है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा छेद है उसके ऊपर हमें डबल साइड टेप लगा कर अच्छे से चिपका देने का है, सबको इस तरीके से बंद कर देने का है। तो चलिए फटाफट से बंद कर देते हैं। तो गाइस, मैंने सभी पे कुछ इस तरीके से डबल साइड टेप लगा कर छेद जो होता है उसको मैंने बंद कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब गाइस, इसके अंदर मैं ग्लू स्टिक जो होता है उसको मैं भरने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर ग्लू स्टिक भर लेते हैं। मैंने ग्लू स्टिक को अच्छी तरीके से भर के उसको साइड में रख दिया है सूखने के लिए। तो गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने RGB LED लाइट ले ली है, जिसमें से आप रेड वाला जो वायर देख सकते हो वो प्लस वाला है, और जिसमें मैंने वायर नहीं लगाया वो माइनस वाला है। तो गाइस, ये सूख चुका है। तो अब इसके अंदर हम सोल्डरिंग आयरन से होल्ड कर देंगे। इसके बीचों बीच करना है गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने इसके बीचों बीच होल्ड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, इसके अंदर मैंने होल्ड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा LED लाइट जो होता है RGB वाला, उसको इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसको लगा देने का है। क्योंकि गाइस, इसके अंदर हम सेल लगाने वाले हैं वो बहुत ही मतलब पतला है और छोटा है। तो गाइस, अब क्या करेंगे, ये जो हमने डबल साइड टेप लगाया था उसको फटाफट से इस तरीके से निकाल लेंगे।
गाइस डबल साइड टेप को मैंने अच्छी तरीके से निकाल दिया है, कुछ इस तरीके से इसका जो लुक है अब देखने में लग रहा है। तो गाइस अब उसके बाद क्या करेंगे, जो माइनस वाला पिन था उसको कुछ इस तरीके से सुला देंगे, तो मैंने कुछ इस तरीके से, और फिर प्लस वाला जो पॉइंट है उसको भी इसी टाइप से सुला देंगे, लेकिन दूसरी साइड से अगर ये दोनों एक साथ चिपक देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो कुछ इस टाइप से मैंने दूसरी साइड से अच्छे से इसको वो सुला दिया है। उसके बाद मैंने इसके पेट अच्छे से टेप लगा देने का है। टेप लगाने के बाद ये गाइस जो वायर है इसको हमें कॉर्नर साइड से निकाल लेने का है। तो कुछ इस तरीके जो माइनस वाला पॉइंट है उसको मोड़ के मैं टेप के ऊपर लगा दिया। उसके बाद क्या करने का है, ये जो प्लस वाला पॉइंट है इसको हमें जो हमारा कॉर्नर होता है वो जो आप लोगों को दिख रहा होगा उसी कॉर्नर में हमें इसको रखने का है। तो कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, इसको अच्छे से वायर को इस पर मोड़ लेंगे जो हमारा वायर है, फिर उसके बाद इसके कॉर्नर में अच्छी तरीके से उसको लगा देंगे। तो गाइस इसको मैंने कॉर्नर में लगा दिया है। उसके बाद गाइस मैं कुछ इस तरीके की बैटरी का इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ, ये आपको स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। तो ये बैटरी को हमें क्या करने का है, जो गाइस आप लोग देख सकते हैं प्लस वाला पॉइंट है और ये गाइस माइनस वाला पॉइंट है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो माइनस वाला था, आप लोग जानते ही कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको इसे रख दिया है। और गाइस इसमें यहाँ पे जो है ढक्कन लगा देंगे, लेकिन ढक्कन लगाने के लिए गाइस मैं ये स्विच भी इसके अंदर लगाने वाला था, लेकिन जो जगह है ना वो इसके अंदर नहीं था, तो इसलिए मैंने स्विच नहीं लगाया। आप लगा सकते हैं गाइस, तो कुछ इस तरीके से मैंने स्विच इसके अंदर नहीं लगाया, आपकी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, नहीं तो गाइस आप मतलब इसको हम बंद नहीं कर सकते दोबारा से, एक बार ये चालू हो गया तो मतलब चालू ही रहेगा। इसके अंदर गाइस एक छोटा सा आप स्विच लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैं अब इसको अच्छे से इसको पैक कर दूंगा, इसको अच्छे से एकदम टाइट दबा के मतलब अच्छे से इसको दबा के फेविक्विक से अच्छे से चिपका दूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक गया है, अगर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। और ये देखिए गाइस पूरा एकदम अंधेरे में गए, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन गाइस आप इसके अंदर स्विच जरूर लगाना, नहीं तो आपका बैटरी बार बार खपत हो जाएगा, तो इसके अंदर स्विच जरूर लगाना। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको जितना छोटा स्विच मिले आप लगा सकते हैं। तो गाइस इसको अंधेरे में आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये ग्लो कर रहा है। अगर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गाइस इसी टाइप से नए नए वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस कोई भी आपको कॉपी पेस्ट वीडियो नहीं मिलेगा, बस आपको इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक जो है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि गाइस वहीं पे बैटरी लगी हुई है, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 6 आया, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पासा जो होता है एकदम मतलब डाइस जो होता है उसी की तरह ये काम करता है। तो गाइस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।